मैं विदेशिनी पटेल हूँ, उड़ीसा सुंदरगढ़ से। मेरा घर तो छत्तीसगढ़ है, जो पापा का घर, लेकिन बचपन से ही उड़ीसा में रहती हूँ, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी जो लोगों के लिए काम कर रही हूँ वो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बड़ई इलाका में है। बड़ई में मैं काम करती हूँ, 4 ब्लॉक में लोगों के लिए। मैं जब छोटी थी तो हम 2 बहन हुआ करते थे। फिलहाल मेरी बहन नहीं है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। पापा और मम्मी का लव मैरिज हुआ था। मेरे पापा बहुत ड्रिंकर थे, तो रोज घर में झगड़ा होता था और हमें भी बहुत मारते थे। और हम लड़की थे इसीलिए भी बहुत मतलब मार खाते थे, मम्मी भी खाती थी। पापा एक दिन हमें छोड़ के चले गए इसी झगड़े के कारण। माँ की हमारी जो है उसकी एक पैर टूटी हुई थी, तो वो काम नहीं कर सकती थी। तो पापा जब गए तो हमारा घर नहीं था, ज़मीन नहीं था, पैसे नहीं थे, हमारा कोई नहीं था दुनिया में। एक छोटा कटोरी लेके ऐसे ही मेरी बहन और मैं गांव-गांव में घूमते थे, गांव-गांव में मांगते थे। और एक गांव से दूसरे गांव और एक गांव से दूसरे गांव ऐसे ही चलते रहते थे। कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं। और जब भी शाम होती थी कहीं धर्मशाला में रह जाते थे, कभी पेड़ के नीचे रह जाते थे, कभी किसी के घर के बाहर आंगन में सो जाते थे। ऐसे ही करके लाइफ चली। एक रोज़ फिर बीच में पापा आए, तो पापा जब आए फिर से झगड़ा शुरू हो गया। मुझे झगड़ा पसंद नहीं था, मुझे एक कहीं पे मतलब आराम से रह जाती, कोई झगड़ा नहीं, आराम से रह के कुछ खाती, पढ़ाई करती और बहुत पढ़ाई करती और कुछ लाइफ में बन पाती, ऐसा मेरा सपना था। लेकिन ये रोज़ के झगड़ा के कारण मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा घर में और मैं घर छोड़ गई। थ्रेड नामक एक ऑर्गेनाइजेशन था जो महिलाओं के लिए काम करता था। वहाँ रह के मैं महिलाओं के लिए काम करने लगी, तो मुझे अच्छा लगा। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे खिलाया, मुझे बहुत प्यार दिए। तो मैं सोची कि मैं नहीं, मैं और वापस घर नहीं जाऊंगी, मैं इनके लिए ही काम करूंगी और इन्हीं के बीच ही रहूंगी। फिर मेरा बदली वहाँ से हो गया और सुंदरगढ़ कुतरा, तो वहाँ एक कंपनी आया जो लोगों का ज़मीन ले रहा था। उसको हम कुछ महिलाएं और हम मिलके उसको विरोध किए। बहुत झमेला हुआ वहाँ पे और कंपनी लोग हमें ढूंढने लगे, मुझे ढूंढने लगे कि ये सब बता रही है, सबको भड़का रही है, ये सब बोल के। तो महिलाओं ने मुझे रातों रात तेरे लाइफ को खतरा है बोल के खटिया और लालटेन लेके जंगल के रास्ते से मुझे लेके आए यहाँ, जामडीही बोल के है यहीं पास लोहनी पड़ा। ये सुंदरगढ़ भितर आमर जो पावड़ी भैया समाज अच्छू माने सतटा पीढ़ बहुत दिन मान जुग जुग पीढ़ पीढ़ रही आम पावड़ी भैया आम तो पावड़ी भैया लोक आम हूँ आदिम जनजाति आदिवासी आम छुआ पिला पाखरे रखिकी काम धाम कराऊन काम शिखाऊन से आम पुड़ी चाष कर चढ़ी आसूँ से आमको एवं लगे से विषय आम जंगल पर आम बहुत घोषणा कर आम जंगल भी जीवन गाँ भी माँ आम कौन गाँ छाड़ी बा जंगल छाड़ी आम कौन टी जीवन वो एक
अलग पल था, लेकिन अब पल बदल गए हैं। अब हम संघर्ष करेंगे और लोगों के लिए लड़ते ही रहेंगे। बहुत सारे पावड़ी भुइयां गांव में गई हूँ, लेकिन ये गांव थोड़ी अलग थी। मतलब उस गांव में कुछ नहीं था, ना पानी था, ना रास्ता था, ना बिजली था, ना आंगनबाड़ी बिल्डिंग था, ना स्कूल बिल्डिंग था, ना लोगों का इंदिरा आवास था, ना जमीन का पट्टा था। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं था। ଗାଁ କମିଟି ହିସାବରେ ଗାଁ ଗହଳିର ଠିକ୍ ମାଆ ବହୀ ବାପ ଭାଇ ମାନେ ଥାଇକିରି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ସୋଟ୍ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଉଠାଇନୁ। ସରପଞ୍ଚ ଏତେ ଯେବେ ଆସେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ମତାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଁ କରିଦେମୁ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଫାଳିକିରି ଏଇଟା ପଥର ଅଛି, ପଥର ଫାଳିକିରି ରାସ୍ତା କରିବୁ, ଡାଳ କୁମ୍ଭାରେ ଅଛ, ଡାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ତିଆରି କରିଦେମୁ। ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏଇ ଡାଳ କୁମ୍ଭାରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଙ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ଡାଳ ଘରରେ ଅଛୁ। ପବନ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଥର ଯୋଜନାକୁ ଆସୁଛି, ପବନ ପ୍ରବଳ, ଡାଳପତ୍ର ଘର ଦ୍ୱାର ଖୁଣ୍ଟ ସହ ବି ଫିକିଦେବ। ମୋ ଗାଁ ମାଓଇଷ୍ଟ ଗାଁ ବତାୟା ଯାତା ହେ, ଲେକିନ ଏସା କୁଛ ନେଇ ହେ, ବସ୍ ବୋ ଏସେ ହି ବୋଲତେ ହେ ତାକି ବୋ ଗାଁ ମେ କୋଇ ନା ଯାଏ। और मुझे भी पहली बार ऐसा बोला गया था कि वहाँ माओइस्ट आते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं पहले मेरे घर से निकलती हूँ, मेरे घर से वो 40 किलोमीटर आसपास हो जाएगा। मैं जाती हूँ बाइक को, मेरा जो एक बाइक है छोटी सी वो उसको नीचे रखती हूँ, और फिर वहाँ से पैदल चल चल के वहाँ जाना पड़ता है मुझे। 5 घंटा लगता है। जंगल है बहुत सारा तो दर्द लगता है, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जो लाइफ है, जितना मैं झेली हूँ, मैं बहुत बार कोशिश की कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन पता नहीं, मैं फिर सोचने लगी कि सुसाइड अगर करूँगी तो क्या होगा, मतलब सुसाइड करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या मेरा जो लाइफ है वो बदल जाएगा, क्या मैं सब कुछ वापस मिल जाएगा। बहुत बार कोशिश की हूँ, फिर भी 4-5 बार, लेकिन जाके वापस आई हूँ। मेरे दर्द में शामिल होने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए खुद के ऊपर गाना लिखती हूँ, ऐसे ही गाते रहती हूँ। बचपन में प्यारी थी, मम्मी पापा की प्यारी थी, हंसी किए बिताती थी छोटी सी गुड़िया थी, गोद में खेलती थी, हंसी के बिताती थी हो। सब जैसे खो गया, आंसू में धो गया, सब जैसे खो गया, आंसू में धो गया, बिखर गई जिंदगी हो, बिखर गई जिंदगी हो। फिर भी मैं हारी नहीं, जिंदगी से भागी नहीं, फिर भी मैं हारी नहीं, जिंदगी से भागी नहीं, आगे चल रही आगे। जहाँ के लोग पहले मतलब बात कोई अगर जाता है तो कोई आ गया कह के घर में घुस जाते थे, बात नहीं करते थे। तो उनके गांव में गई मीटिंग की, धीरे धीरे वो आवार हुए और सब कानून के विषय में थोड़ा थोड़ा जाने और एजुकेशन क्या है उसके बारे में जाने। पूर्वरु तांकर आग्रह पाठ प्रति थिला नथिला किछि जणा जाउ नथिला, एबे किंतु शिक्षा प्रति तांकर आग्रह सृष्टि हेउछि बोली अनुमान करा जाय। विदेशी निधि आसला परे आमर छात्र छात्री मानकु
ସ୍କୁଲ କୁ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଆସିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ କେମିତି ଉପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସେ ତା ବାବଦରେ ଡକେଇକି ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଜଣାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଆମ ଆସିବା ଯିବାର ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଛି ଆଉ। मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे एरिया में आए, मेरे कम्युनिटी के साथ बातचीत किए और आप खुद बोले कि मेरे ऊपर, मेरे कम्युनिटी के ऊपर आप लोग फिल्म बनाएंगे। आपको कैसा लग रहा है, आपका फीलिंग्स कैसा है, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। इतना चढ़ाई भी मतलब वही आपके जितना मतलब ये चढ़ाई आपके संघर्ष के सामने में बहुत छोटा है वही। ଯାହା ହେଲେ ଯୁଡ଼େ ଛୁଆ ପାଇ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇସେ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ଗଣା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ତସଡ଼ା ଗାଁ ହେ ଇଏ ପହଲେ ବୋଲ ଚୁକି ହୁଁ କି ଉନକା କୋଇ ସପନା ନହିଁ ଥା ଲେକିନ ଅଭି ଓ ଗାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଲ ଚୁକା ହେ ଅଭି ଉନକା ସପନା ହେ ବୋ ଲୋକ ବି ଓ ଯେଉଁ ବଚ୍ଚେ ହେ ବୋ ଅଭି ପଢ଼ନା ଚାହତେ ହେ ଔର ଅଭି ସ୍କୁଲ ବି ଆ ରହେ ହେ ବୋ पेड़ के नीचे हले ही चल रही है लेकिन वो लोग आ रहे हैं। और धीरे धीरे मैं सब कलेक्टर से बात की हूँ, कलेक्टर से ही बात की हूँ कि वो धीरे धीरे वो उनके गांव में बिल्डिंग भी होगा, रास्ता भी होगा। लेकिन उनका जो एक सपना था, जो सपना नहीं देख रहे थे वो अभी सपना देख चुके हैं और वो अभी पढ़ना चाहते हैं। उनके उनके दिमाग में अभी पढ़ना क्या है, एजुकेशन क्या है, वो घुस चुका है। ऐसे ही आगे करती रहूँगी और लोग भी मुझे बहुत मतलब प्यार देते हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, ये एरिया मुझे अच्छा लगता है।